हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो हमारे इस न्यू वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं साइंस के एक एम्यूजमेंट पार्क की सैर पर। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस वेबसाइट से आप घर बैठे फन के साथ नॉलेज भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है द मोलिक्यूलरियम प्रोजेक्ट। तो आपको इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करना। तो ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। इसमें आपको पहले ये चार ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो ये वाला ऑप्शन है यही है हमारा ऑनलाइन थीम पर। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ये आपको हमारे लोडिंग पेज से नैनो स्पेस की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारा नैनो स्पेस। तो इसमें क्लिक करने के बाद इसमें हमारा थीम पार्क है, जिसमें आपको एंट्री मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना होगा। तो ये हमारा ऑनलाइन थीम पार्क। तो यहाँ पे आप जो बीच में गोला देख रहे हो, उसमें नए नए साइंस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें उनकी जानकारियाँ मौजूद होती है। तो सबसे पहले हम उसमें क्लिक कर लेते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है, और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश होता रहता है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। और हम अभी इस अनेक दरवाज़ों में से इस एक दरवाजे को ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम इसको ओपन करते हैं। इसमें से ये जो दूसरा वाला है, उसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा एक वीडियो, जो कि बहुत अच्छा है और इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो आप चाहें तो पहले इसको देख सकते हैं। तो अभी हम नहीं देख रहे हैं। और उसके बाजू वाला जो ऑप्शन है, टेस्ट ट्यूब वाला, इसको ओपन कर लेते हैं। सिंपली उस पर क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक मतलब क्वेश्चन आंसर का गेम है, इसको दबाते ही ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन आता है, इसका हम आंसर करते हैं। तो मैंने सिंपली इसका आंसर दिया है बी। तो बी आंसर देने के बाद आप सब लोग देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर राइट है। तो यहाँ से 10^6 मतलब पहला लेवल जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से ये लेवल को आगे आगे कंप्लीट होता है, हम आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको हम आप चाहें तो इसमें आंसर दे के अपने लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको यहाँ इनमें से बहुत अच्छा मतलब जो है एक्सपीरियंस मिलेगा और नॉलेज मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ये जो दूसरा है वो भी सही दे दिया है। चलिए हम बैक चले जाते हैं। तो बैक चलने के बाद हम दूसरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक H2O का पार्लर है, जो कि एक मतलब गेम है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको मतलब इस तरीके से खेलना है कि अगर ये पानी मांगेगा, तो हमें जो ये नीचे टेम्परेचर है वो बीच में सेट करना होगा, और रेड बटन पे दबाने पे पानी आएगा। और अगर हम टेम्परेचर को कम करके दबाते हैं तो आइसक्रीम मिलेगी, और हाई करके करते हैं तो बलून मिलेगा। तो मतलब जो भी मांगे उसको हम देना पड़ेगा उस तरह से। और हम मोबाइल में से दे नहीं सकते, वो एक प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में। अगर आपके पास पीसी है तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ये बच्ची ने हमें गोला मांगा है, तो हम यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे से गुब्बारे भी हम बना सकते हैं। तो आप चाहो तो इस गेम को खेल सकते हैं। अब बैक आने के बाद हम हमारे जो होम पेज है वहाँ पे चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पे चार और है, तो हम दूसरा ओपन कर लेते हैं। तो दूसरा ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें चले जाते हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो पहले ऑप्शन में जाने के बाद आप सब लोग देख सकते हैं कि ये एक डायमेंशन जोन है, और इसमें आप अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमसे बड़ा कौन है, हमसे छोटा कौन है, ये सब आप यहाँ पे मीटर से आगे पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, अगर आपके पास पीसी है तो आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी ये हमको कैंसिल कुछ पूछ रहा है, तो हम इस पर कैंसिल दबा देते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ गेस भी करना होगा,
जो है यहाँ पे आपको पूछेगा उसको गेस भी करना होगा। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं और उसके बाजू वाला जो है उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भी एक गेम है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाए जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में कितने एटम्स होंगे वो आपको गेस करना होगा। और आप जैसे ही गेस करोगे ये जो अंकल है वे आपको बताएंगे आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और अगर जब आप सही करोगे तो मतलब आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। तो अभी हम डेस्कटॉप सेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये ब्लू वेल है, इसका हमने हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फिर से आ गया और ह्यूमन का हमको पूछ रहा है, तो अब हम ह्यूमन का कर लेते हैं। और हमने 10^21 किया है और ये कह रहा है ऊपर जाओ तो हम ऊपर जाते हैं। अब नीचे जाने को कह रहा है तो नीचे जाएंगे और जब हम सही कर लेंगे तो ये इस तरीके से हमको पॉइंट्स देगा। तो ये बहुत अच्छी गेम है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा और टाइम पास भी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब ये सन का पूछ रहा है तो हम सन का भी इसको बता देते हैं। हायर करने पे हमको आगे जाना होगा और लोअर पे पीछे चलना होगा। तो आप चाहो तो ओ हमारा गेम ओवर हो गया है, तो चलिए हम बैक आ जाएंगे। और अब हम उसके जो बाजू वाला है ऑप्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने के चीज़ें मिलेंगी। इसमें कई तरह के आपको माइक्रोस्कोप मिलेंगे और जो कि बहुत मतलब दुर्लभ होते हैं आज के ज़माने में इसको मतलब यूज़ करना। इसको आप अच्छी तरीके से मतलब यहाँ पर कर सकते हो। तो पहला हमने ये कर लिया है, तो इसमें यह कुछ सैम्पल है, इसको आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। हमने ये रेंडम चूज़ कर लिया है तो इसकी मतलब पोजीशंस वगैरह कंट्रास्ट वगैरह भी आप सेट करके इसको जूम करके देख सकते हो और इसकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो भी आप नीचे देख सकते हो। तो हम ये कंट्रास्ट बड़ा के आपको दिखा देते हैं, इस तरह का ये इफ़ेक्ट आएगा इसमें। और मतलब आप जो भी चाहो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम अभी बैक चले जाके दूसरा जो माइक्रोस्कोप था उसको टेस्ट करते हैं। हम फिर से उसी में चले जाते हैं और ये जो मतलब आखिरी वाला है उसको देखते हैं और उसकी माइक्रोस्कोपिंग की मतलब जो एबिलिटी होती है वो भी आप ऊपर देख सकते हो। अभी हम पहला वाला जो सब्सटेंस था उसको ले लेते हैं और ये आपको कुछ देर के बाद दिखाई देगा। तो इसको भी हम मतलब पोजीशंस वगैरह भी आगे पीछे करके देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बदल सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आपको जो है इफ़ेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप चाहो तो इसे और ज़्यादा सब्सटेंस को देख के मतलब एंजॉय कर सकते हो। अभी हम बैक चले जाते हैं और अभी हम दूसरे वाला जो उसके बाजू वाला लास्ट ऑप्शन था उसको देख सकते हैं। तो उसमें इन लोगों ने बनाया हुआ नैनो का एक वीडियो है जो आप चाहो तो देख सकते हो, अभी हम नहीं देखने वाले। तो चलिए अब हम बैक चले जाते हैं। अब बैक आने के बाद ये जो बाकी के जो रूम है वो मैं आपके लिए मतलब छोड़ रहा हूँ, उसको आप ही एक्सप्लोर करना। और ये बाजू में दो गेट दिख रहे हो उसमें से जो पहला वाला है उसमें चले जाते हैं। ये एक थिएटर है जो कि सिनेमा टाइप का इन लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें एक पिक्चर चलेगी। इसको आप अपने तरीके से ही मतलब आगे पीछे करके देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि पिक्चर चालू होने वाली है और ब्लर में से अभी थोड़ी देर में पिक्चर चलने लगेगी। तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। तो प्ले करने के बाद ये हमारी पिक्चर शुरू हो गई है और इसको आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी और रियलिस्टिक बनाई है इन लोगों ने, तो आप ज़रूर से इसको भी चेकआउट करिएगा। थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं।
तो आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। अब हम बैक चले जाते हैं और वो जो आखिरी गेट है उसमें चले जाते हैं। इसमें आप लोग को मिनी गेम्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, खेलने के लिए, जो कि साइंस बेस्ड होंगे। तो आप चाहो तो इसको भी खेल सकते हो, अभी हम नहीं खेलने वाले हैं। और यहाँ तक हमारी वीडियो को अभी हम समाप्त करते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिएगा।